हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 14 में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग सीखने वाले हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एचटीएमएल टैग्स। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। थोड़े एचटीएमएल के टैग है जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये em/em, उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं em टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, अब इसका हम आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इसको सेव करेंगे, फाइल सेव एज लेसन नंबर 14.html से। ओके, तो लेसन नंबर 14 को हम रन करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये लिखा हुआ है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये em टाइप का टेक्स्ट है। ओके, तो दूसरे टैग इसे कौन से है देखते हैं। स्ट्रॉन्ग स्लैश स्ट्रॉन्ग कोड स्लैश कोड सैम्प स्लैश सैम्प केबीडी मतलब कीबोर्ड टैक्स, सैम्प मतलब सैंपल, कोड मतलब कोड टैक्स, स्ट्रॉन्ग मतलब टैक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, var वेरिएबल टैक्स और टीटी मतलब टेली टाइप ऑफ टेक्स्ट स्लैश टीटी। ओके, तो ये सारे टैग है जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, ये है कोड टेक्स फॉर्मेट, ये सैम्प टेक्स फॉर्मेट, केबीडी यानी कीबोर्ड टेक्स फॉर्मेट, वेरिएबल टेक्स फॉर्मेट और ये है टेली टाइप ऑफ टेक्स। ओके, यहाँ पर br सभी लाइन के एंड में लिख देते हैं हम, ताकि सभी का आउटपुट न्यू लाइन में आए। ओके, तो इसका आउटपुट देखते हैं हम कैसा आएगा। लेसन नंबर 14 रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये है em टेक्स्ट, ये है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ये कोड टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये सैम टेक्स फॉर्मेट, ओके, ये कीबोर्ड टेक्स्ट फॉर्मेट, वेरिएबल टेक्स्ट और ये है टेली टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो ये अलग अलग टेक्स्ट के फॉर्मेट है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, और एक टैग यहाँ पे देख लेते हैं हम, मार्क टैग marke। यदि आपको कोई टैग्स मार्क करनी है, फॉर एग्जांपल दिस इज रेड कलर, ओके, तो ये जो मार्क लिखा हुआ है, मार्क स्लैश मार्क, यानी कि ये जो रेड लिखा हुआ है वो उसका बैकग्राउंड कलर येलो आएगा। ओके, मतलब हम वो पेन से मार्क करते हैं ना टेक्स, जैसे इसमें मार्क करेंगे टेक्स। ये देखिए, रिफ्रेश, दिस इज रेड टेक्स। अगर आप कोई बड़ा आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई बड़ा सा नोट स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं और कुछ चीज़ों को, कुछ टेक्स को आप पॉइंट करना चाहते हैं, तो इसे हम पॉइंट कर सकते हैं। ओके, कुछ IMP कीवर्ड्स होते हैं उसको आप मार्क करना चाहते हैं,
मार्क कीवर्ड का यूज़ करके मार्क आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि अलग अलग टेक्स्ट फॉर्मेट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और ये मार्क का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं। इस लेसन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।